हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फूड फन विद अलका। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरी और पुदीने की स्वादिष्ट चटनी। कैरी पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हैं पुदीने की पत्तियां, इनको अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। एक कैरी या आमी, दो हरी मिर्च। अब सबसे पहले हमने मिर्ची को रफली चॉप कर लिया है और कैरी को भी रफली चॉप कर लिया है। यहाँ कैरी मेरी छोटे साइज़ की, तो पूरी कैरी ली है मैं, तो अगर बड़े साइज की कैरी है तो आधी कैरी लेंगे। अब एक मिक्सी के जार में सारे सामानों को डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ना पुदीना तो अपना मिलता ही है गर्मियों में और रिफ्रेशिंग बहुत होता है, कैरी भी आराम से मिलती है। पुदीना और कैरी दोनों ही चीज़ें गर्मी में बहुत आराम से मिलती हैं और बहुत हेल्दी भी होती है। पुदीना तो अपना बहुत ही रिफ्रेशिंग है, गर्मी में लू से भी बचाता है। तो ये चटनी आप बना के रख दें, 3-4 दिन तक खाएं आराम से। सबसे पहले मैंने डाल दिया पुदीना, अब मिर्ची, कैरी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले नमक 1 चम्मच से लेकर 1.5 चम्मच, आपके स्वाद अनुसार। मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी हींग, नेक्स्ट हमें डालना है 1 चम्मच जीरा, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा टैंगी ट्विस्ट देने के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच जल जीरा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि इजीली ग्राइंड हो जाए, और इसको हमें अब ग्राइंड कर लेना है। मिक्सर को चलाते वक्त आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी और ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थिक है अभी, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे जिससे कि आराम से ग्राइंड हो और कंसिस्टेंसी भी ठीक हो। लीजिए, तैयार है अपनी खट्टी खट्टी कैरी पुदीने की चटनी। आप देख सकते हैं मैंने कितनी टाइट कंसिस्टेंसी रखी है, और चटनी के लिए ये अच्छी होती है। अगर आपको पतला चाहिए थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। तो लीजिए टेस्ट, गर्मियों में खट्टी खट्टी। आइए एंजॉय करते हैं खट्टी खट्टी चटनी।